हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे लॉर्डिस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का क्वार्टर टू का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है, जो कि डेटास कंपनी के लैक्स में दिए गए हैं। बट इसको हम क्या क्रोज में काउंट करेंगे। इफ़ करेंटली कंपनी का अगर आप यहाँ पे रेवेन्यूज नंबर देखने चाहेंगे, सो यहाँ पे दिया गया करंट क्वार्टर में कंपनी ने 385 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया है। पिछले क्वार्टर में 323 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया था। सो रेवेन्यूज नंबर कंपनी के यहाँ पे क्या हमको क्वार्टरली वाइज बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। वही 2023 में कंपनी ने 149 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू किया था, जो कि बढ़कर हो गया 385 करोड़ का। सो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते कंपनी के टोटल नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस की। कंपनी के एक्सपेंसेस देखो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। गर्म क्वार्टर में 362 करोड़ का एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 305 करोड़ का एक्सपेंस था, उसके पहले 126 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। सो कंपनी के एक्सपेंस लाइक क्वार्टरली ईयरली दोनों ही यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिट नंबर की। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, करंट क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का। सो प्रॉफिट नंबर काफ़ी अच्छा बढ़ा है इस बार। वही 2023 में कंपनी का 29 करोड़ का प्रॉफिट, तभी 40 से लगभग सालाना लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है। रिजल्ट कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या निकल गया। फिलहाल को स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कीजिएगा ये कंपनी का। सो ये कंपनी का था क्वार्टर टू का रिजल्ट। एंड आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।